नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करें में। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें। करवा चौथ व्रत 2020, तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, चंद्र उदय का समय क्या होगा, साथ ही साथ मैं व्रत के कुछ नियम भी बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, पसंद आएगा वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करेंगे। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सभी महिलाएं, विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, साथ ही कुंवारी कन्याएं भी अच्छा वर प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। विवाहित महिलाएं एवं कुंवारी कन्याओं की पूजा की विधि अलग अलग होती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि यदि इस दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखें तो उनके पति की दीर्घायु और सुखद गृहस्थ जीवन का उन्हें वरदान मिलता है। वर्ष 2020 में करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी वो मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 3:24 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 5 नवंबर 2020 5:14 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:47 से शाम 7:04 पर है। करवा चौथ के दिन चंद्र उदय का समय रात्रि 8:31 पर रहेगा। सारी डिटेल्स मैंने आपको स्क्रीन पर दी है, ध्यान से देख लेंगे। करवा चौथ में सर्गी का क्या महत्व होता है? करवा चौथ जो महिलाएं व्रत रखती है वो सर्गी को जानती हैं। करवा चौथ व्रत की शुरुआत सर्गी के साथ शुरू होकर चंद्र उदय पूजा के बाद तक समाप्त होती है। सर्गी करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले किए जाने वाला भोजन होता है, जो महिलाओं को उनके साथ या बड़े बुजुर्गों के द्वारा दिया जाता है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली सुहागन महिलाएं सास द्वारा दी गई सर्गी को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर करवा चौथ का व्रत शुरू करती हैं। पूजा की विधि क्या है? करवा चौथ पूजा की विधि क्या है? तो करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें, सास द्वारा दी गई सर्गी ग्रहण करें और करवा चौथ व्रत के निर्जल व्रत का संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। इसके बाद सास द्वारा दी गई सर्गी ग्रहण करें और करवा चौथ व्रत के निर्जल व्रत का संकल्प लेकर व्रत करें। इसके बाद पूजा स्थल में कलश स्थापना करें और गिरे हुए पिसे हुए चावल के घोल से करवा का चित्र बनाकर माँ गौरी, गणेश जी और भगवान शिव की मूर्ति चौकी पर स्थापित करें। विधिवत पूजा करें और माँ को सुहाग का सामान अर्पित करें। पूजा के बाद व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। अंत में पति की दीर्घायु की कामना करते हुए सास का आशीर्वाद लेकर उन्हें करवा भेंट करें। इसके बाद रात्रि में चंद्र उदय के बाद छलनी से चंद्र दर्शन कर अर्घ देकर धूप दीप जलाकर प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद पति का आशीर्वाद लेकर व्रत करें। तो दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।